स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 401। सवाल है, राजस्थान में झील की नगरी कौन सी है? तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, उदयपुर को हम लोग कहते हैं झील नगरी यानी सिटी ऑफ लेक्स, जबकि आपको पता होना चाहिए जयपुर जिसको कि पिंक सिटी कहा जाता है, जबकि ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। तो उदयपुर सही जवाब है यहां पर, झील की नगरी। अगला सवाल आता है, भारत का विलुप्त होता जंतु कौन सा है? तो चीता, टाइगर, एशियन टाइगर जिसको हम एशियाई चीता कहते हैं, भारत का विलुप्त होता जंतु है। काफी तेजी से इसकी संख्या घटी हुई है, लेकिन हाल में सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप तमाम जो है जो टाइगर रिजर्व वगैरह बनाए गए इनकी संख्या में वृद्धि देखने को मिली हुई है। कहावत ही है कि अब चीता बचे ही कहां पर, है ना। तो फिलहाल एशियन टाइगर्स बहुत तेजी से आपका कम होता है एक जंतु था, फिलहाल इस समय आपका इनकी संख्या स्थिर है और थोड़ा इनकी ब्रीडिंग्स की वजह से इनकी संख्या बढ़ने लगी। हाइड्रला किसका सदस्य है? तो हाइड्रला सदस्य है जलक्रमक का। अगला 404 सवाल आता है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं? ये हम लोग मनाते हैं हर साल 7 जुलाई को। 405 नंबर सवाल है, कितने डेसिबल ध्वनि की तीव्रता स्तर पर श्रवण शक्ति घट जाती है यानी सुनने की क्षमता घट जाती है अगर आप 100 डेसिबल या उससे अधिक की ध्वनि तीव्रता पर लगातार बने रहते हैं, ज्यादा समय गुजारते हैं, तो आपकी जो श्रवण शक्ति है वो घट जाती है और आप टेम्परेरी तौर पर बहरे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है 406, पर्णपाती वृक्ष कौन सा नहीं है? पर्णपाती वृक्ष यानी जो वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं जिनमें पतझड़ होता है, और देवदार पर्णपाती वृक्ष नहीं है, सी ऑप्शन सही जवाब होगा, देवदार। 407, आर्कटिक ध्रुवीय क्षेत्र में कौन नहीं मिलता? ये आपका कुछ जंतु है, सील, पेंगुइन, बालरस और ध्रुवीय भालू, इनमें से आर्कटिक क्षेत्र में पेंगुइन पाई नहीं जाती है, जबकि सील, ध्रुवी भालू और बालरस ये सभी आर्कटिक क्षेत्र में मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है आपका 408, पश्चिमी घाट के सघन वनों में अधिकतर कौन पाए जाते हैं? तो इनमें उभयचर पाए जाते हैं जो पश्चिमी घाट में हमारे सघन वन है, ऐसे एम्फीबियंस जो जल और थल दोनों में रहते हैं। 409 नंबर सवाल है, परम ताप का पैमाना क्या है? तो परम ताप को हम लोग केल्विन में नापते हैं, सही जवाब होगा ए। 410, कौन सा देश जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस है? तो हमारा देश भारत बहुत बड़ी बायोडायवर्सिटी अपने आप में समेटे हुए है, विश्व के तमाम आपका जो विश्व धरोहर स्थल है उनमें से हमारे देश में बहुत ढेर सारे हैं और इस वजह से हमारा देश जैव विविधता के लिए फेमस है। इस पक्षियों का महाद्वीप किसको कहते हैं? तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। 412 नंबर सवाल है, सर्वाधिक जीव विविधता कहां पर पाई जाती है? तो जो पीस वैली है, शांत घाटी जिसको हम लोग साइलेंट वैली कहते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा जीव विविधता पाई जाती है। और डियर स्टूडेंट्स, ये साइलेंट वैली भारत में केरल में है। अगला सवाल है, भारत का ठंडा रेगिस्तान कौन कहलाता है? यानी जो पूरी तरफ से बर्फ से घिरा हुआ लद्दाख, दैट इज लद्दाख, ये भारत का ठंडा रेगिस्तान कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। सर्वाधिक भूकंप कहां आते हैं? जापान को हम लोग भूकंप का देश कहते हैं, जापान, इसका पुराना नाम भी ध्यान रखिएगा, आपका पुराना नाम इसका निप्पन, तो जापान ये सर्वाधिक भूकंप वाला देश है। अगला सवाल आता है 415, सबसे अधिक मीठे और स्वच्छ जल की झील कौन सी है? तो ये बैकाले झील है, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बैकाले झील के बारे में पहले, ये सबसे बड़ी मीठे पानी और स्वच्छ पानी की झील है। अगले सवाल पर आते हैं, गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य किसके लिए फेमस है? ये रिडले टर्टल यानी एक प्रकार के जो टर्टल है आपका कछुआ, उनके लिए आपका ये फेमस है समुद्री अभयारण्य। पृथ्वी पर जीव जंतुओं की लगभग कितनी प्रजातियां? तो करीब करीब 50 लाख यानी 5 मिलियन, ध्यान रखिएगा 5 मिलियन आपका लगभग प्रजातियां पृथ्वी पर जीव जंतुओं की पाई जाती हैं। भारत का तप्त स्थल कौन सा, जहां पर ज्यादा आपका तापमान रहता है? वो आपका भारत के पश्चिमी घाट के इलाके हैं, ये भारत के तप्त स्थल है। सबसे बड़े आकार का पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग जिसको आप ऑस्ट्रिच कहते हो, सबसे बड़े आकार का पक्षी है, इतना भारी होता है कि ये उड़ नहीं पाता है। ट्यूब कोमेटो ये बंदीकरण का तरीका है, ट्यूब कटोमी ये बंदीकरण का किस चीज का तरीका है? ये पुरुषों का या स्त्रियों का या दोनों का बंदीकरण यानी एक तरीके का आपका ये जिसमें कि आप कह सकते हो कि नसबंदी, आप इसको एक तरीके का कह सकते हो, इसमें बेसिकली आपका ये स्त्रियों का एक तरीका। विश्व की प्रसिद्ध मांस मंडी कहां पर लगती है? ये अमेरिका के शिकागो शहर में लगती है।
पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, ये किसने कहा? पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, ये बात एजी टेंसले ने कही, सही है, वापसी हो जाएगा टेंसले। एक किलो अगर मांस आपको पैदा करना है तो कितने अनाज की जरूरत पड़ती है? 10 गुना जरूरत पड़ती है। तो 423 नंबर सवाल आपका, इसका सही जवाब होगा डी, यानी 10 केजी। यानी अगर आपको एक किलोग्राम मांस वाला एक जानवर तैयार करना है तो उसको कम से कम 10 किलो आपको जो है खिलाना पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कहां पर स्थित है? पवन ऊर्जा भारत के तटीय इलाकों में ज्यादा उत्पादित होती है और इस वजह से यहां पर तटीय राज्यों में आप देखिए उत्तर प्रदेश जवाब आपका हो नहीं सकता, शिमला आपका जवाब नहीं हो सकता, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ही आपके पास बसते हैं। तो तमिलनाडु आपका भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म का जो है केंद्र है और भारत में बायोकॉन या फिर आपका तमाम कंपनियां जो है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में लगी हुई लगातार। सीएनजी क्या है? अगला सवाल ये 425वां सवाल है। सीएनजी एक तरीके की प्राकृतिक गैस है, नाम इसका है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पवन चक्की में क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो पवन चक्की में हम लोग जल ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। 427 नंबर सवाल है, सौर ऊर्जा को अगर सीधे विद्युत ऊर्जा बदल सकते हैं तो कैसे बदल सकते हैं? आप सिर्फ सोलर सेल लगाइए, सोलर प्लेट लगा लीजिए, बैटरी आप मत इंस्टॉल करिए, सीधा आप सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसका, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के द्वारा की जाती है। 429 नंबर सवाल है, सौर सेल का उपयोग इनमें से किसके विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है? तो सौर सेल का जो उपयोग है ये हम जो उपग्रह वगैरह भेजते हैं, जब उपग्रह भेजते हैं तो वो आपका अपने लिए जरूरी ऊर्जा सोलर सेल के जरिए, उनमें सोलर प्लेट्स लगी होती बाहर, वो सूर्य से मिलने वाली गर्मी या जो प्रकाश है उसी से जो है ऊर्जा ग्रहित करते हैं। जो अभी भारत का हाल ही में मंगलयान मिशन था उसमें भी हमारे लैंड रोवर के ऊपर जो पैनल लगे हुए थे वो पैनल बेसिकली आपका सोलर सिस्टम से ही के जरिए उसमें ऊर्जा लेने का प्रोविजन किया गया हुआ था। नेक्स्ट आता है, विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम साधन है जल ऊर्जा। अगला सवाल आता है, जेट इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? जेट इंजन में हम लोग एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल का यूज करते हैं। 432वां सवाल है, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों पाए जाते हैं। अब डिपेंड करता है कौन से एरियाज में रह रहे हो, तो ये एरिया वाइज ब्यूटेन और प्रोपेन का कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है। सामान्य तौर पर ब्यूटेन 60% और प्रोपेन 40% पाया जाता है, तो एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन होगा। ठंडे प्रदेशों में प्रोपेन की मात्रा बढ़ जाती है, तो ब्यूटेन 60% और प्रोपेन 40%। साथ में ध्यान रखिएगा इसमें जो महक के लिए गंध के लिए जिस का उपयोग करते हैं वो है मिथाइल मर्सेप्टेन। अगला सवाल आता है 433, ईंधन से ऊर्जा किस रूप में निकलती है? जो भी आप ईंधन जलाते हैं उससे ऊर्जा दो रूप में बाहर निकलती है, एक तो प्रकाश के रूप में और दूसरा ऊष्मा के रूप में। 434वां सवाल, इनमें से बायोगैस कौन सी है? तो नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस को बायोगैस कहा जाता है, बायोगैस माना जाता है। 435वां सवाल है, कोशिका यानी सेल की खोज किसने की हुई थी? रॉबर्ट हुक है जिन्होंने कोशिका की सेल की थी। अगला सवाल, पादप कोशिका की पहचान क्या है? पादप कोशिका की पहचान उसकी कोशिका भित्तियां होती हैं। अगला सवाल 437वां, खाद्य श्रृंखला में प्रथम कौन है? सबसे पहले खाद्य श्रृंखला में पौधे आते हैं, इस वजह से ये खाद्य श्रृंखला में प्रथम है। 438वां सवाल है, प्राथमिक उत्पादक का इनमें उदाहरण कौन सा है? प्राथमिक उत्पादक जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर इनमें से आपका घास है, जबकि बाकी सभी जो यहां पर है वो अलग अलग वर्ग के उपभोक्ता है। टाइफाइड रोग का कारण क्या है? टाइफाइड रोग जीवाणु की वजह से होता है, तो टाइफाइड रोग का कारण जीवाणु है। सामान्य तौर पर आपका ये जीवाणुओं की वजह से आपका फैलने वाला रोग है। 440वां सवाल है, रोग कारक सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? ऐसे जो जीव सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि रोगों को एक जगह दूसरी जगह तक फैलाते हैं, इनको पैंथोजेंस कहा जाता है। तो आंसर होगा इसका बी, पैंथोजेंस। 441 नंबर सवाल है, दूध में जीवाणु की क्रिया कैसे होती है? दूध में जीवाणुओं की क्रिया उनके अम्लीय होने के कारण से होती है। 442वां सवाल है, भोज्य कवक इनमें से कौन सा है? मोर्चेला, एगारिका और लाइकोपेरिडोन, ये सभी आपके भोज्य कवक हैं।
443वां सवाल है एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एक कैसा रोग है, किसके द्वारा जनित होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए वायरस के द्वारा जनरेट होता है, तो विषाणु जनित रोग हो गया। संक्रामक रोगों का सामान्य भाग कौन सा है, जो संक्रामक रोग आपके होते हैं तमाम इन्फेक्शन वगैरह फैलते रहते हैं नॉर्मली वो किसकी वजह से होते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा जो घरेलू मक्खी होती है ये तमाम तरीके के आपके रोग फैलाती है, जैसे हैजा वगैरह रोग आपका दूषित खाने वगैरह की वजह से, दूषित पानी की वजह से जो फैलते हैं, इनके लिए आपका मुख्यतः आपका घरेलू मक्खी जिम्मेदार होती है। इनमें से कौन सा एक एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक इनमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक का एग्जांपल है। अगला सवाल आता है कोढ़ का कारक कौन सा, कोढ़ जो रोग होता है उसका कारण एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया होते हैं। 447वां सवाल है अधिकतर सवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें पर्णहरिम पाया जाता है, तो सवाल अपना भोजन बनाते हैं कारण उसका पर्णहरिम पाया जाना होता है। मशरूम एक प्रकार का क्या है, मशरूम एक प्रकार की फफूंदी है, फंगस है। आयोडीन का समझ सूत्र इनमें से कौन सा है, आयोडीन का जो एक समझ सूत्र है वो भूरा सवाल जो है इसका आयोडीन का एक समुद्र सूत्र है। चाइना ग्रॉस क्या है, चाइना ग्रॉस एक तरीके का शैवाल है। तो अगले सवाल पर 51 नंबर पर आते हैं एलएसडी ड्रग ये किनसे निष्कर्षित किया जाता है, किससे निकाला जाता है, तो कवकों से एलएसडी ड्रग्स को निकाला जाता है। 452 नंबर सवाल है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कैसे होता है, जो अमोनिया है वो यूरिया में आपका परिवर्तित होती है यकृत में। 453 नंबर सवाल रक्त के प्लाज्मा में जल कितना होता है, जो हमारा ब्लड का प्लाज्मा होता है उसमें जल की मात्रा 90% होती है, जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल है विलियम हार्वे किस खोज के लिए प्रसिद्ध है, तो विलियम हार्वे रक्त प्रसंचरण के लिए प्रसिद्ध है, जवाब हो जाएगा आपका डी। अंगूर पिचक जाता, अंगूर क्यों पिचक जाता है, कहां पर पिचकता है, शक्कर के घोल में आपका बेसिकली जो होता है वो अंगूर पिचक जाता है। 456 नंबर सवाल है जल को पौधे विभिन्न भागों में कहां पर कैसे पहुंचाते हैं, तो जल को पौधे के विभिन्न भागों में आपका जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है, जवाब हो जाएगा सी। 457 सवाल है वृक्कों का कार्य यानी लंग्स का काम क्या होता है, बेसिकली इनका काम होता है आपका उत्सर्जन का। अगला सवाल आता है एक कोश की जीवों में उत्सर्जन की प्रमुख विधि कौन सी, एक कोश की जो जीव होते हैं उनमें उत्सर्जन की प्रमुख विधि विसरण होती है। अगला सवाल आता है निम्न में कौन पूरे शरीर की रक्त की आपूर्ति हृदय में करता है, तो जो रक्त की आपूर्ति हृदय में करने का काम होता है वो धमनियां करती हैं। 460 नंबर सवाल है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, वृक्क मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग है। 461 नंबर क्वेश्चन है किस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है, पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है, तो ध्यान रखना है प्रोटीन पाचक एंजाइम अगर इनमें से कोई है तो वो पेप्सिन है। 463 नंबर सवाल है यूरिया का संश्लेषण कहां होता है, यूरिया का संश्लेषण भी हमारे यकृत में होता है यानी लीवर में। अगला सवाल आता है मछलियां श्वसन कैसे करती, मछलियों के श्वसन के का आपका तरीका गलफड़े के द्वारा होता है, तो मछली आपका गिल्स यानी गलफड़े के द्वारा श्वसन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भोजन जो पदार्थों का संवहन करने वाला ऊतक कौन सा है, तो फ्लोएम जो ऊतक है फ्लोएम टिश्यू ये भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। 466 से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कितने साल पहले हुई, तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है, तो 3 बिलियन वर्ष पूर्व आपका आज से लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। टैकोग्लोसस ये कहां पाया जाता है, टैकोग्लोसस तमाकुची ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, तो टैकोग्लोसस हो गया या फिर आपका कंगारू हो गए ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में इनमें से कौन पाया जाता है, तो ठोस द्रव गैस इन तीनों अवस्थाओं में आपका कौन पाया जाता है, जल पाया जाता है। अगला सवाल आता है जल कैसा होता है, तो जल जो शुद्ध जल होता है ये पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है, उसके अलावा स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। पृथ्वी पर जो उपलब्ध जल है उसमें से ताजा जल लगभग कितने परसेंट है, जितना भी आपका पृथ्वी पर जल उपलब्ध है उसमें पीने योग्य ताजा जल मात्र 1% है, जो कि अधिकांशतः भूगर्भ में छिपा हुआ है। 471 क्वेश्चन नंबर है हल्की और खोखली हड्डी की विशेषताएं ये किनमें पाई जाती है, ये विशेषताएं पक्षियों पाई जाती है जो कि उनको उड़ने के लिए उड़ने में मदद करते हैं।
स्पंजड़े किसमें पाई जाती हैं? जो स्पंजड़े हैं जिस पेड़ में पाई जाती है वो जुसिया पेड़ है, इसमें स्पंजड़े पाई जाती हैं। चाय और कॉफी किन से प्राप्त होते हैं? आपको पता है चाय कॉफी दोनों पेय पदार्थ है और दोनों आपका पौधों से प्राप्त होते हैं। अगला सवाल आता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कैसी गैसें हैं? तो ये आपका जो गैसें हैं ये गैसें आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। आपने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में ऑलरेडी पिछले वाले वीडियोस में देखा हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ छह और प्रमुख गैसेस साथ में जलवाष्प, ये सभी आपका ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनकी वजह से पृथ्वी का औसत तापमान जो है लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ये गैसेस आपका हमारे वातावरण में ऊपर जाके एक ट्रैपिंग पूरा बना लेती हैं। 475 नंबर क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड, एरोसॉल, जलवाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करती है? तो ये प्रदूषण उत्पन्न करती है वायु प्रदूषण। 476 हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण क्या है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो वृद्धि है वो ग्रीन हाउस गैसेस का मुख्य कारण है। अगले सवाल पर आते हैं टेम्फ्लू ये किस बीमारी की दवा है? टेम्फ्लू है डियर स्टूडेंट्स, टेम्फ्लू ये आपका बुखार में वायरस, जब बुखार होता है वायरल होता है खासतौर पर स्वाइन फ्लू, उसमें दी जाने वाली दवा है। अणु शक्ति ग्रह से रेडियोधर्मी तत्वों का बड़े पैमाने पर रिसाव कहां पर हुआ था? जो न्यूक्लियर रिएक्टर पावर न्यूक्लियर रिएक्टर उससे जो रिसाव हुआ था वो रूस के चेर्नोबिल नामक जगह पर हुआ था, और वर्तमान में आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं चेर्नोबिल यूक्रेन नामक देश में, तो पहले आपका ये रूस का भाग हुआ करता था, वर्तमान में चेर्नोबिल ये यूक्रेन में 1983 में घटना हुई थी, काफी संख्या में लोग आपका यहां पर प्रभावित हुए थे। अगला सवाल है कैटेलिक कन्वर्टर उत्प्रेरक परावर्तक नामक यंत्र लगाकर कौन सा प्रदूषण कम किया जा सकता है? ये जो आपका कैटेलिक कन्वर्टर एक यंत्र है इसको वाहनों के साइलेंसर में लगाया जाता है, जिससे आपका जो काफी हद तक आपका प्रदूषण उत्पन्न होता है खासतौर पर वायु प्रदूषण उसको कम किया जा सकता है। 479 के बाद क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स 480, इस 480 में आपसे पूछा हुआ बेचैनी, बहरापन, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, सहन शक्ति की कमी जैसे रोग किस प्रदूषण से होते हैं? तो ये ध्वनि प्रदूषण से होते हैं। आरजी मून की मिलावट कहां पर होती? आरजी मून की मिलावट जितने भी हमारे खाद्य तेल होते हैं खाने योग्य तेल उनमें आपका की जाती है। 482 है पैक भोजन पदार्थों की अच्छी गुणवत्ता के लिए क्या जाता दिया जाता है? जो एग मार्क है, एग मार्क क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स जो कि आपका पैक्ड फूड आइटम्स है उनके लिए दिया जाता है। जबकि अगला सवाल है ऐसे उत्पादक जिनके उत्पादन में या उपयोग में या निष्पादन में पर्यावरण में कम से कम नुकसान होता है या नहीं होता उनको कौन सा मार्क दिया जाता है? तो ऐसे पदार्थ ऐसे उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है, यानी जिनके प्रोडक्शन में जिनके कंजम्पशन में या जिनके रिसाइकल में पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। 484 नंबर सवाल आता है शेर, बाघ, हाथी, गेंडे इन सब का शिकार आपका किस अधिनियम के तहत भारत में दंडनीय है? तो 1972 में एक एक्ट बना हुआ था वाइल्ड लाइफ एक्ट, उसके तहत इन सभी का शिकार दंडनीय अपराध है। 485 है मानव पर्यावरण पर स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस 1972 क्या कहलाता है? इस पर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इसी को आपका पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसी से आपका दुनिया में आगे पर्यावरण संरक्षण को लेकर तमाम रास्ते खुले। 486 नंबर सवाल है पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती? तो ठोस में सबसे कम होती जबकि गैस अवस्था में सबसे ज्यादा होती है। अगला सवाल 487 है भारत का जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में जल प्रदूषण अधिनियम लागू हुआ डियर स्टूडेंट 1974 में, जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। 488 है कश्मीरी चोगा इसमें से कौन है? चोगा एक तरीके का आपका उनका वस्त्र है और ये फिरन नामक का फिरन होता है बेसिकली। अगला सवाल आता है 489 भारत में वायु प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ? 1981 में वायु प्रदूषण अधिनियम लागू हुआ और इसी में आज में 1988 में ध्वनि प्रदूषण को भी इसी में शामिल किया गया। तो पहले ध्वनि प्रदूषण कोई भी आपका तरीके का आपका एक्ट नहीं होता था, बाद में ध्वनि प्रदूषण को भी आपका प्रदूषण के रूप में मान्यता मिली और इसको बाद में वायु प्रदूषण का एक अंग स्वीकृत किया गया। 490 नंबर सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध है, यानी 14 साल तक के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हो, उनको किसी ऐसी जगह पर इंगेज नहीं कर सकते जिनसे उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास प्रभावित होता हो, और ये हमारे संविधान में वर्णन है अनुच्छेद 24 में। अगला सवाल आपका 491 भारत में सर्प उद्यान कहां पर? मद्रास में, यानी आपका वर्तमान में चेन्नई में सर्प उद्यान है।
492 आता है रसायनों में किए जाने वाले चिकित्सा विज्ञान को क्या कहते हैं, रसायनों से किए जाने वाले चिकित्सा विज्ञान को केमोथेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट पक्षियों के आपका अध्ययन करने की साइंस को हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। 494 आता है पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसको कहते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। 495 तीसरी दुनिया के देश किसे कहा जाता है, तो जो विकासशील देश है खासतौर पर आपका अफ्रीकन नेशंस को, जहां पर अभी विकास नहीं हो पाया है, विकास से बहुत दूर है, ऐसे देशों को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। एक नक्षत्र का रंग, अगला सवाल ये किस पर निर्भर करता है, किसी भी नक्षत्र का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। 497 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित किसके द्वारा किया जाता है, तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है औद्योगिकरण है इसने पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित किया हुआ है। 498 सवाल आता है किस देश में सबसे पहले अम्लीय वर्षा हुई थी, तो यूरोपियन देश है स्वीडन जिसमें सबसे पहले आपका अम्लीय वर्षा हुई थी। अगला सवाल आता है कौन सा इनमें से स्मोक सिटी के नाम से यानी धूमे नगर के नाम से जाना जाता है, तो धूमे नगर के नाम से अमेरिकन शहर शिकागो जाना जाता है। अगला सवाल आपका 500वां नंबर का सवाल है पौधे किस प्रकार से जल को अवशोषित करते हैं, तो कोशिका के माध्यम से आपका पौधे जल को अवशोषित करते हैं।